वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सारे वीर भैणों स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा ऑनलाइन गुरमत क्लास में। सारे भैणां वीरां नूं जी आया आख्या जांदा है। जिवें कि आप जी नूं पता है असीं सारे ही वीर भैणां मिल के जपजी साहिब जी की पावन बाणी समझन का यतन कर रहे हाँ और जपजी साहिब जी की लड़ीवार विचार असां शुरू की हुई है। सानूं साडी जिंदगी जीण वास्ते की उपदेश गुरदेव पातशाह दिंदे हन, संसार दे लोकां वास्ते की उपदेश है जिस करके एक नवे समाज की नवे संसार की सिरजना की जा सके। जिस समाज और संसार दे अंदर हर मनुख सचियार होवे और ये संसार जिहड़ा दुखां और चिंतावां तो रहित हो जाए, इत्थे हर इंसान रब वर्गा हो के जी सके, हर एक दे नाल दूजे दा विहार रब वर्गा होवे, ऐसी संभावना साडे इस जगत संसार दे अंदर है जेकर सारे लोग थोड़ा जिहा यतन करन गुरबाणी नूं समझ के गुरबाणी मुताबक जिंदगी जीण दा। साडे जीवन वास्ते गुरदेव ने इको एक उपदेश कीता है, एक गोल दिता है हर इंसान लई, किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुट्टै पाल, असी सचियार किवें होईए। जो झूठ दियां कूड़ दियां दीवारां ने साडी जिंदगी चों किवें टुट जाण, दूरियां किवें घट जाण, रब दे नाल मिलाप किवें होवे और असी रब वर्गे हो के किवें जी सकीए, इह इक ही सवाल है मनुखता दे सामणे और उहदा इक्को ही उत्तर है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, रब्बी रजा दे अंदर तुरना। जदों तो यह संसार बनया है, होंद विच आया है, उदों तो यह नियम भी तुरिया आ रहा है कि हर शै जगत की हुक्म दे अंदर, सिस्टम दे अंदर, ला ऑफ नेचर दे अंदर चल रही है। असी भी रब्बी रजा नूं समझ के उस मुताबक जिंदगी जीवीए तो असी भी सचियार हो सकते हाँ, ये संभावना साढ़े सारिआं दे अंदर मौजूद है। कल असां विचार कीती सी जिवें साडा कोई कपड़ा जां शरीर मल मूत्र नाल कट्टे मिट्टी नाल खराब हो जांदा है तां असीं अपने हत्थां पैरां नूं पाणी नाल धो के कपड़िआं नूं साबण नाल धो के साफ कर लैंदे हां। इसे तरह साडे मन बुद्धि दे अंदर जे मैल भरी गई है, साडी सोच मैली हो गई है, साडी जिंदगी विच विकार ने, पाप ने, अपराध ने, तां उहनां नूं प्रभु दे शुभ गुण गा के गुणां दे नाल प्रीत पा के रब्बी रजा अनुसार जिंदगी जी के अपनी मत नूं साफ कीता जा सकता है, सोच नूं पवित्र कीता जा सकता है। कल असां इह विचार कीती सी, आओ असीं 21वीं पौड़ी दे नाल जुड़न दा यतन करिए। कल तक 20 पौड़ियां दी विचार हो चुकी है, अज असीं 21वीं पौड़ी दी विचार सांझी करांगे। दुनिया दे अंदर हर इंसान मान आदर सत्कार पाना चाहुंदा है, दुनिया दे अंदर हर इंसान सुखी और शांत होना चाहुंदा है। मान आदर पाण वास्ते, सुख वास्ते और मुक्ति वास्ते बंदा अनेकां किस्म दे यतन करदा है, पर असीं देखते हाँ कि वो यतन करीब करीब फेल हो जाते हैं और आम जो मनुख है शरीरक मानसिक बौद्धिक आत्मक तौर पर यानी पूर्ण तौर पर आम जो मनुख है सुखी नहीं रहिंदा। और आम बंदे की यह शिकायत भी रहिंदी है कि इस दुनिया चो मान आदर नहीं मिलिया जां कि मैनू सच्चा सच्चा प्यार इस दुनिया चो नहीं मिलिया, यह आम मनुख की शिकायत है। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨ। ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਤਪ ਕਰੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ और दत्त दान का मतलब है दिता हुआ दान। ये काम चार कु काम आम लोग करते हैं, तीर्थां ते इशनान करते हैं। ये बारे असी बड़े विस्तार दे नाल पहली पौड़ी दे विच ही विचार आए हाँ, सोचै सोचना हो गई जे सोची लखवार। कला तीर्थां ते नहाण दे नाल कदे भी बंदा सचियार नहीं हुंदा और जदों तक मनुख सचियार नहीं है
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗ ਆਦਿਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਤੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 4 ਦਿਨ, ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲ 2 ਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥ ਤਪ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਉ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ,
ਅਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੁੱਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖੋਂ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾਓ, ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਰਮ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੁੰਨ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਅੰਜੁਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣ, ਜਲੇਬੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਲੇਬੀ। ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਲੇਬੀ ਮਿੱਠੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੰਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੋਲ ਵਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਵਲ ਵਿੰਗ ਹੋਣ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਵੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ, ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ, ਸਿੱਧਾ, ਕੋਈ ਵਲ ਵਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾ ਲਵੇ ਪੁੰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਨਾਵਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। हे प्रभु, सारे गुण तेरे पैदा किए हुए ने, तेरे विच सारे गुण ने। हुण रब दे विच कोई औगण तो है नहीं। रब तो गुणा का सागर है, गुण निधान, गुणा का खजाना है, गुणा का सागर है। रब विच औगण कोई नहीं, गुण ने। सारे गुण उस रब ने पैदा किए ने, वो गुण साढ़े अंदर ने। असी सारे रब का रूप हाँ, मन तो जोत स्वरूप है। ये पॉसीबिलिटी साढ़े सारिया विच है। पर गुरु जी कहते हैं, मैं ना ही कोई, मेरे विच कोई गुण नहीं। कोई गुण नहीं दा मतलब कि मैं इन्हां गुणा नूं वरतों विच नहीं लिया रहा, मैं इन्हां गुणा ते अमल नहीं कर रहा। सच दा मैनूं पता है पर मैं सच बोलता नहीं। मित्रता दा मैनूं पता है पर मैं मित्रता वाला विहार नहीं करता। दया मेरे अंदर है लेकिन दया मैं किसी दे नाल दया वाला विहार नहीं करता। कहन तो मुराद कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं हन, मैं इन्हां गुणा की वरतों नहीं करता। देखो, असी रोज़ ये विचारा कर रहे हैं ना कि अखां है ने साडियां, हुण इन्हां नाल वेखना है, तुसीं की वेखना चाहते हो तुहाडी मर्जी। कन्नां दे नाल सुनना है, ये तुहानूं बहुत महान भी बना सकते ने, नीवां भी बना सकते ने, जैसा सुनोगे बोल। जबान जिहड़ी है साडी प्रीत बना भी सकती है, तोड़ भी सकती है। हाथ सानू आबाद भी कर सकते ने, बर्बाद भी कर सकते ने। पैर सानू चंगे राह वल भी लै जाणगे, मंदे वल भी। मन साडा चंगा भी हो जाएगा, मंदा भी। ये तो साढ़े ते डिपेंड करेगा ना कि असी की चाहते हैं, साडा गोल की है, साडा निशाना की है, साडी मंजिल की है, असी की चाहते हैं। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। हे प्रभु, सारे गुण तेरे पैदा किए हुए ने, सारे गुण तेरे विच मौजूद ने, पर मेरे अंदर कोई गुण नहीं, यानी मैं गुणा की वरतों नहीं करता। गुरु जी कहते हैं, विण गुण किते भगत ना होए। बिना गुणा नूं धारण करन तो भगती तेरी हो नहीं सकती। जे मैं तेरे गुणा का धारण ही ना होवां तां भगती तां तेरी हो नहीं सकती। तेरे नाल प्यार थोड़ी पवेगा, तेरी प्राप्ति थोड़ी होएगी। जिहड़ी कूड़ दी दीवार है वह टुटेगी थोड़ा। गुणा नूं धारण करन तो बिना भगती की हुई, कुछ भी ना। जे मैं तीर्थां ते नहाई जावां लेकिन मेरे अंदर रब्बी गुण ना होण, मन बचन कर्म करके मैं गुणा दा धारण ही नहीं, तां नहाई जाओ तीर्थां ते की। डड्डू बच्छियां नहाउंदे ने तीर्थां दे विच ही ने। जल कै मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक नहावें, जैसे मेंढक तैसे ओ नर फिर फिर जो नहीं आवै। तप करी जाओ बैठे, धूणियां बाली रखो, सिर विच ठंडा पानी पाई जाओ, किसी तीरथ दे विच ही खलो के तुसीं तपस्या करी जाओ। उहदे नाल की होएगा जे गुण ही नहीं हन? सुचमता रखी जाओ बाहरली, जे गुण ही नहीं हन। दान दे ही जाओ, दो नंबर के धंधे करके जे अंदर शांति नहीं है, संतोख नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो इन्हां चीज़ां का कोई लाभ नहीं। यानी रब की भगती की है? सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। इत्थे भगत दे तत्ते नाल है सिहारी, ये फीमेल जेंडर है, इहदा मीनिंग होएगा भगती। जे भगत दा तत्ता मुक्ता हुंदा फिर इहदा अर्थ होना सी बहुते भगत, प्लूरल शब्द। जे भगत दे तत्ते थले औंकड़ हुंदा इहदा अर्थ होना सी एक भगत, सिंगुलर शब्द। इत्थे है भगत दे तत्ते नाल सिहारी, इहदा मतलब फीमेल जेंडर है भगती। तां भगती हुण की हो गया? गुणा दे धारनी होना, विण गुण कीते भगत ना होए। तां जे मैं हुण तुहाडे तों सवाल पुछां तां अनम्यूट होण तों बिना इसे तरह ही आप ही बोलोगे ते मैनूं समझ लग जाएगी कि तुसीं बोल रहे हो। तां भगती की होया? गुणा दे धारनी होना। की होया जी भगती? गुणा दे धारनी होना। हुण देखो, रब की भगती वास्ते इत्थे कोई समाधि की गल नहीं की जा रही, कोई इत्थे माला फेरन की गल नहीं, कोई जंगलों में जाने की गल नहीं, कोई धूणियां तान की गल नहीं, केवल गुणा दे धारनी होना।
ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੇ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ। ਸਵਸਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਸਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਅਸਥ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਦੈਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਸਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦੈਵ ਹੈ ਔਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਦੈਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਚਨਾ, ਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਚਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਮਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੂੰ ਰਚਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਚਨਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਮਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਪ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦੈਵ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਸੁਹਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੈਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ।
हुण जिवें तुसीं हुण मेरी एज दे वीर भैणा हो, जदों तुसीं पहलों इस देश विच आए इंग्लैंड विच, खाली हत्थीं आए, कोई दो दो चार चार पाउंड लै के, किसी कोल 50 पाउंड, किसी कोल 10 पाउंड, इन्ने ही लै के आए। और जिवें इत्थे बजुर्ग दसते ने कि किन्ना उन्होंने जफर जालिया, लोहे दीयां फैक्ट्रियां विच काम कीते, किन्नी वड्डी मेहनत कीती, फिर जाके परिवार जिहड़ा उह सैट होया। ते फिर भी पूरी तरह कई बार कई लोग सैट नहीं हो पाते, यानी एक जिंदगी एक घर बनाने वास्ते एक पीढ़ी तो लंघ जाती है। तो फिर भी साड़ी कदे रोज़ लूण मुक गया, कदे मिर्चा मुक गई, फिर भी सानू चिंता रहिंदी है, परेशानी रहिंदी है। जे असी सैट हो भी गए हैं, घर बार बन भी गया है, तां भी कोई ना कोई चिंता फिकर साडे मन च खेड़ा नहीं है ना, निक्के जे परिवार नू चलांदे आ। ते हे प्रभु, तू एडे वड्डे खल जगन नू चला रहा है, तैनू कोई चिंता नहीं है, बेपरवाह आनंद विच खिड़िया होया है, खेड़ा ही खेड़ा है। तां तीन चीज़ां साडे कोल आ गईआं कि रब सच्चाई है, रब सुहप्पण है, और रब खेड़ा है। ते जेड़ा सच्यार होएगा वह रब वर्गा बन जाएगा, क्योंकि तू करता सच्यार मेंढा साई, असी भी रब वर्गे होना है। तो इन्हां तिन्नां गुणां दे धारनी असी हो सकते हैं, होना चाहिए। पहली गल, मन वचन कर्म करके सच्चे हो जाओ, मन विच भी सच्चाई, बोलां विच भी सच्चाई, और विहार विच भी सच्चाई। तो जिदे मन वचन कर्म दे अंदर सच्चाई हो जाएगी, वह सुंदर भी हो जाएगा। इत्थे सुंदरता बाहरली नहीं है, शरीर दी सुंदरता सदा नहीं रहनी, उम्र दे नाल सारी जिहड़ी सुंदरता है वह जांदी रहिंदी है। बचपन विच असी किन्ने सोहणे सी, जवानी विच सानू अपनी सुंदरता ते माण सी, पर हुण पै गईआं ना ऐसे मूँह ते चुरड़ियां, अखां अंदर वड़ रहीआं ने, कन्न रह रहे ने, चश्मे लग गए ने, सुंदरता गई ना। हुण कदी असी देखदे हुंदे सां अपनियां, जे असी बचपन दीआं फोटोआं देखीए, जवानी दीआं फोटोआं देखीए, वो कोई बच्चा सी ते वह पुछ रहा सी अपनी मम्मा तो, मम्मा फोटो देख रहा सी एल्बम अपने विआह दी, ते वह फोटो देखद्या देखद्या अपने पिता दी फोटो देखी, कहन लगे मम्मी आ कौन ने, कहन लगी बेटी तुहाडे पापा बड़े सोहणे हुंदे सी। कहिंदे अच्छा पापा ये ने, कहिंदे हाँ, कहिंदा फिर गंजा साडे घर कौन रहिंदा है, यानी हो जाती है ना एवें गंजा हो जाता बच्चे नूं, जे विखाईए तो फिर नहीं ना पछाण पाते। हुण जे असीं अपनियां फोटोआं देखीए तां सुंदरता ने सदा नहीं रहना, लेकिन एक मानसिक सुंदरता है वह सदा रहिंदी है। इत्थे मानसिकता की सुंदरता की गल है, ये मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंग दी। जे असी सच नाल प्रेम दे नाल जुड़े हुए हैं ना, तो नैन नक्श चंगे नाम ही होणगे तो बंदा सोहना लगता है। तो जे सच नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर बंदे दे नैन नक्श चंगे भी होण तो बंदा भेंगा ही लगता है, भैड़ा ही लगता है। तो मन दे अंदर सच्चाई, मन वचन कर्म करके सच दे धारनी होना है, अपनी मानसिकता नूं सुंदर बनाना है। तो जदों मानसिकता सुंदर हो गई, सदा मन चाओ, फिर खेड़े दे अंदर बंदा रहेगा, चढ़दी कला विच रहना है। नैगेटिव नहीं सोचना, मैं रोज़ ये बेनतियां कर रहा, कदे अपने आप नूं कोणा नहीं कि मैं कुछ नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं, कोणा नहीं, चढ़दी कला विच रहना है। क्योंकि रब दा यह संसार बड़ा सोहना है, इत्थे अनंत दाता ने, इत्थे विकास दीआं अनंत संभावनावां ने, मेरे अंदर अनंत गुण ने, मेरी जिंदगी ठीक राहां ते जा रही है, मैं बहुत कुछ पा सकता हाँ, रब दीआं रहमतां चार चुफेरे बरस रहीआं ने। चढ़दी कला विच रहना, आगा हूँ कुतराग, पिछा फेरना मुटड़ा। तो जदों असीं सत सुहाण सदा मन चाओ दे नाल जुड़ांगे, उहदे जिहड़े गुणां दे धारनी होवांगे, तो साडी जिंदगी दे अंदर भी ये गुण आ जाणगे, साडी जिंदगी भी ऐसी बन जाएगी। तीरथ तप दया दा दान दे नाल ये कुछ नहीं होना, जिहड़े बाहरी विखावे दे कर्म कांड ने उन्हां दे नाल ये विगासता नहीं आउणी। सगों बाणी नूं सुनना, मनना, मन अंदर प्रीत करनी, इन्हां गुणां दे धारनी होना, अपनी मानसिकता नूं शुभ गुणां दे नाल धोना। स्वस्थ आत बाणी ब्रह्माव, जो प्रभु सदैव है, जो रचना रूप है, जो हुक्म रूप है, जो रब रूप हो के जगत विच फैलिया है, जो बड़ा एक अटल सच्चाई है, जो एक सुंदरता है, और जो विगासता है, उस प्रभु दे नाल असी जुड़ना है।
जदों असी अंदरली मानसिकता का इशनान करांगे ना, साडा असल रूप प्रगट होएगा, साडा असल रूप प्रगट हो जाएगा। हुण साडा जिहड़ा रूप है वह असल नहीं है। जैसी साडी जिंदगी असी जी रहे हैं ना, ये साडी असली जिंदगी नहीं है। इहदे पिछे बहुत महान व्यक्तित्व अंदर बैठा है, सच्चा इंसान, प्रेम दे नाल भरिया होया, निरभैता निर्वैरता दे नाल भरी हुई जिंदगी। ये गुण साडे अंदर ने, वो अंदरों प्रगट हो जाएंगे, वो प्रगट हो जाएंगे। हुण अगला बचन करते ने, कवन सो वेला वखत कवन, कवन थित कवन वार। कवन सो वेला, हुण वेला जिहड़ा है ना, किहड़ा समा सी ओ, वखत कवन, टाइम किहड़ा सी। देखो वेला भी और वखत भी दोवें इक्को ही चीज़ां ने ना। इहदा रीज़न की है, क्योंकि मुसलमान वीर कहिंदे ने वकत, तो इसलिए इत्थे शब्द वरत्या है वकत। हिंदू वीर कहिंदे ने वेला, शब्द वरत्या है वेला, बाणी सारिआं वास्ते सांझी है ना। कवन सो वेला वखत कवन, कवन थित। इहनूं तुसीं ध्यान दे नाल देखोगे ना, कवन दे नाणे थले औंकड़ लगा है, कवन सो वेला वखत कवन, इत्थे कवन दे नाणे थले औंकड़ है। लेकिन कवन थित, इत्थे कवन दे नाणे दा औंकड़ हट गया है। क्यों? क्योंकि इत्थे फीमेल जेंडर आ गया ना, थित तिथि फीमेल जेंडर है, इसलिए कवन नूं फीमेल बनाउण वास्ते औंकड़ हटा दिता गया है। कवन वार, वार किहड़ा सी, इत्थे कवन दे नाणे थले फिर औंकड़ आ गया। तां गुरू जी कहिंदे ने, वेला किहड़ा सी, वकत किहड़ा सी, थित किहड़ी सी, वार किहड़ा सी, कवन से रुत्ती, रुत किहड़ी सी, माह कवन, महीना किहड़ा सी, जित हुआ आकार जदों आ संसार पैदा होया, जदों आ आकार होंद विच आया, जदों निराकार साकार होया, जदों निरंकार आकार रूप विच आया, जदों ये संसार होंद विच आया, किहड़ा टाइम सी उदों, किहड़ा वक्त सी, किहड़ी थित सी, किहड़ा वार सी, किहड़ा महीना सी, किहड़ी रुत सी, की दसोगे? कोई दस सकदा है? नहीं, क्योंकि उदों वार थित है ही नहीं सी। वारां थित्तां ते असीं बाद विच रचना अपनी जिंदगी नूं सुचारू ढंग दे नाल चलाउण वास्ते इन्हां दे नाम रखे ना, रुत्तां दे नाम असीं आप रखे, असीं दिनां दे नाम रखे, वारां दे नाम रखे, असी पौद्यां दे, पशु पंछियां दे नाम रखे, मनुखां दे नाम रखे, रब दे नाम रखे, तां कोई वेला कोई वकत नहीं दस्या जा सकता जदों कि ये आकार होंद विच आया। हुण गुरु साहब जी कहिंदे ने, वेल ना पाईआ पंडती, इत्थे पंडती नहीं पढ़ना, बिंदी लगा के पढ़ांगे, पंडती, पंडतां ने, विद्वानां ने, जिहड़े विद्वान पंडित ने उन्हां नूं भी वेले दा पता नहीं लगा, क्योंकि वेला शब्द हिंदू वीर वरतदे ने, इस करके इत्थे वेला पंडतां दे नाल वरत्या है। वेल ना पाईआ पंडती, विद्वान पंडतां ने भी वो वेले दी खबर नहीं पाई, जिस वेले, जिस समय, जिस स्थितवार नूं ये जगत होंद विच आया। जे उन्हां नूं पता हुंदा, जे होवै लेख पुराण, जे उन्हां नूं पता हुंदा, खबर मिलदी, तां उन्हां ने बहुत सारे पुराण लिखे ने, तां एक पुराण वर्गा लेख होर लिख दिंदे, एक पुराण होर लिख दिंदे, एक पुस्तक होर लिख दिंदे, किसी पुराण दे विच लेख दे दिंदे, ये दस दिंदे कि यह वार सी, यह थित सी, यह रुत सी, यह महीना सी, क्योंकि पता ही नहीं ना किसी नूं, उदों थित वार आदिक है ही नहीं सी, बंदा है ही नहीं सी, तां किसी नूं इस बारे नहीं पता कि किस समय ये जगत होंद विच आया। अगला बचन करदे ने, वखत ना पायो कादियां। हुण इत्थे वखत शब्द वरत रहे ने, क्योंकि मुसलमान वीर वक्त कहिंदे ने, उर्दू दा शब्द है। कादिया नहीं पढ़ना, इनू पढ़ना है कादियां। ये शब्द है काजी, और इत्थे इसका गुरु साहब शब्द वरत रहे ने कादी, पंजाबी विच कादियां यानी काजियां ने। जिहड़े मुसलमान काजी मुल्ला मुलाने ने, उन्हां नूं भी वक्त दा नहीं पता, उन्हां नूं भी
वक्त का नहीं पता, जे पता हुंदा जे लिखन लेख कुरान जिमें उन्होंने मुहम्मद साहब जी ते जो आयता नाजल हुईयां ते मुहम्मद साहब जी दे जान तो बाद उन्होंने इकट्ठिया करके कुरान लिखिया, इस तरह वो कोई हवाला लिख सकते सी, कोई धर्म पुस्तक लिख सकते सी कि इस वेले जगत होंद विच आया, उस दिन यह दिन सी, यह टाइम सी, यह महीना सी, यह रुत सी, यह समा सी। काजी नूं भी नहीं पता। हुण अगली गल करदे ने थित वार ना जोगी जाने, जोगी जिहड़े ने थित्तां वारां नूं बहुता मनदे ने, ते जोगियां नूं भी नहीं पता किहड़ी रुत सी, किहड़ा वार सी, किहड़ी थित सी, कि जोगी समाधि ला के 10 दिन अंदाजा लगा लैण, इह भी कोई अंदाजा नहीं। जोगियां नूं भी इस बारे पता नहीं है। रुत माह ना कोई, इत्थे रुत दे तत्ते नाल देखो सिहारी है, क्योंकि रुत फीमेल जेंडर है। माह शब्द दे हाहे थले औंकड़े, इनू माहो नहीं पढ़ना, क्योंकि महीना नाउन है। जदों किसी नाउन दे आखरी हाहे थले औंकड़ हुंदा है तां सिंगुलर शब्द की निशानी हुंदी है, उहदा उच्चारण नहीं करना हुंदा। जदों किसी क्रियावाची हाहे दे थले औंकड़ आएगा उदों उसका उच्चारण किया जाता है, क्योंकि उदों बहुवचनी शब्द हुंदा है। रुत स्त्रीलिंग है, इसलिए तत्ते नाल सिहारी है। माह पुलिंग है, इसलिए हाहे थले औंकड़ है। रुत माह ना कोई, होर कोई भी इस जगत के अंदर यह नहीं जानता कि जदों जगत होंद विच आया उदों रुत किहड़ी सी और महीना किहड़ा सी। ना पंडित विद्वान पंडितां नूं पता है, ना काजी मुल्ला मौलाणियां नूं पता है, ना जोगियां नूं थितवार दा पता है, ते ना ही होर कोई बंदा दस सकता है कि केड़ा रुत महीना सी। हुण गुरु साहब जी कहिंदे ने, जा करता सिरठी को साजे आपे जाणै सोई। जा करता दा मतलब जेड़ा करता, सिरठी दा मतलब सृष्टि। इहनू सृष्टि नहीं पढ़ना, सिरठी पढ़ना है, पर सिरठी दा मतलब है सृष्टि, जगत रचना। जिसने इस सृष्टि नूं साजिया है, जो साजदा है, आपे जाने सोई, ओ सार लैण वाला प्रभु आप ही जानता है, आप ही जानता है कि कदों ये कार होंद विच आया। अंदाजे लगाए ने विज्ञान ने, अंदाजे लगाए ने, अंदाजे लगाए जाते रहेंगे, लेकिन जे कोई कहे कि फिक्स टाइम निश्चित किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ही जानता है, यानी कि इहदा अंत नहीं पाया जा सकता। दिन वार महीना को निश्चित किया नहीं जा सकता, क्योंकि उदों दिन वार महीना आदि समा है नहीं सी। समा उदों बनता है जदों ये जगत होंद विच आउंदा है, उस तो बाद जदों बदलाव होवे, ते जद बदलाव ही नहीं तो समा कहदा, तो कोई इस बारे नहीं जान सकता, भाव कि इस सृष्टि का अंत नहीं पाया जा सकता। हुण गुरु साहब जी अगली गल करदे ने, किवकर आखां। किवकर का मतलब मैं किवें आखा, तेरा अंत किवें पावा, मेरे कोई साधन नहीं है ना, किवें आखा कि मैं आकाश मंडलों के अंदर उड़ उड़ के तेरा अंत पा सकना। गुरु जी कहते हैं, पंखी हुई कै जे पवां, सह असमानी जाऊं, नदरी किसे ना आवूं, ना किछ पियां ना खाऊं, पी तेरी कीमत ना पवै हूं केवड़ आखा ना। कि जे मैं पंछियां दी तरह उडारियां मारदा रहा लगातार, ना कुछ खावां ना कुछ पीवां, लगातार उडारियां लांदा रहां, तां भी तेरा अंत तां नहीं पाया जा सकता। किवकर आखा कि मैं लिख लिख के उहदा अंत पा सकना। गुरु जी कहिंदे ने, नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचै पाओ, मसू टूट ना आवई, लेखन पौन चलाऊं, भी तेरी कीमत ना पवै हूं केवट आखा ना। किवें कह सकना, कदे भी नहीं कह सकता। कि मैं समाधियां ला ला के पा सकता हाँ, नहीं, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। किवकर आखा, किवें आखा, कोई साधन नहीं है ना। किव सलाही, ते किवें मैं तेरी सिफत सलाह करा, कि तेरी सिफत सलाह मुकम्मल हो जाए, किवें तेरे गुण गावा, कि तेरे सारे गुण गाए जा सकन, ते मैं कह दिया कि यह सृष्टि के अंदर इन्ना कुछ है, इस तो अगे नहीं है, कि एवें हो सकता है, कदे भी नहीं हो सकता।
क्यों वरनी, मैं तेरा वर्णन किवें करा, कोई साधन नहीं है ना कि गणित दे विच मैं वर्णन करा। हिंदसे लिख लिख के तो हिंदसे मुक जाणगे, असंग कहें सिर पार होए, जां लेखा लिखिया कीता होए किन्ना कु लेखा होएगा। एवड ऊचा होवे कोई, तिस ऊचे को जाने सोए। रब दा अंत तां उह ही जाण सकेगा ना जे कोई रब तो उच्चा होवे। मन लो कोई इमारत है तीन मंजिली, ते तीन मंजिली इमारत दा जो उतला छत है लास्ट वाला, उस छत दे उत्ते केड़ी चीज़ पई है, तुसी थले खलोते दस सकते हो? नहीं दस सकते, क्योंकि छत दे उत्ते जाओगे तो फिर वेखोगे ना। इन्ना उच्चा कद होवे कि थले खलोता खलोते दा सिर उच्चा होवे ते बंदा वेख के दस लवे, उहदे उत्ते जा के चढ़े पौड़ी राही किसी ढंग नाल तां ही दसेगा ना कि छत ते ऐ कुछ है, थले खलोते किवें दसोगे? ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਕਿਵ ਸਾਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਹੈ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक बंदा रब बारे इन्ने कॉन्फिडेंस के नाल बोलता है कि वो बोलों तो इंज पता लगता है कि रब जिमें इन्हों के घर आन के नाइट स्टे करता, सारा दिन काम कार करके इतने इनान पान करके फिर लंगर पानी छक के इन्हों सारा कुछ दसद कि अज मैं यह कुछ किया। दूजा बंदा इन्ने कॉन्फिडेंस के नाल गल करता, इंज प्रतीत हों कि रब सवेरे काम से निकलता, इन्हों के घरों परौंठे खा के गलबात करके फिर जाता। तीजा बंदा इन्ने कॉन्फिडेंस नाल बोल रहा है, इंज लगता है जिवें रब दा पीए होवे और नाल नाल फिरदा होवे। गुरु जी कहिंदे नानक आखण सब को आख है, कहिण नूं ते सारे कह रहे ने। देख लो जिन्ने भी धर्म दे नाम दे उत्ते जिन्ने भी डेरे ने, बाबे कह रहे ने सारे कि साडे कोल आओ एवें मिलेगा, साडे कोल आओ एवें मिलेगा। सर हर बंदा कह रहा है। एक दू एक सियाणा, एक दू एक दा मतलब एक नालों दूजा बंदा सियाणा कि मैं तेरे नालों सियाणा, मैं तेरे नालों सियाणा। एक तो एक सियाणा बंदा दूजे नालों वध चढ़ के गल्लां कर रहा है। तो जदों जिंदगी वल वेखते हैं उदों कुछ भी नहीं। कोई बंदे ने जाके दरवाजा खड़काया किसी का, कहन लगा तेरा कौन है बई? कहन लगा मैं शेर सिंह। तो कहिंदा तेरे पिता का नाम? कहिंदा मेरे पिता का नाम बघेल सिंह। तो कहिंदा भरा का नाम? कहिंदा भरा का नाम बहादुर सिंह। तो कहिंदा आ जा अगे लंघ गया, कहिंदा तुहाडे कुत्ते तो डर लगता। मेरा नाम शेर सिंह, पिता का नाम बघेल सिंह, भरा का नाम बहादुर सिंह, तो डर लगता पे कुत्ते तो। नावां नाल की होगा? रब बारे गल्लां तां बहुत कीतियां जा रहियां ने, तो जो जिंदगी विच वेखने आ, सोच वेखने आ, बोल वेखने आ, उत्थे कख भी नहीं, उत्थे कुछ भी नहीं है। विहार विच किसी बंदे नाल गल्लां देखो, मैं भी हुण किन्नियां गल्लां करी जा रहा, लगातार बोली जा रहा, तो मेरा विहार जो वेखोगे पता तो उदों लगना है। हुण क्लास विच ते तुहानूं लगदा होणा भाई मोहर सिंह बड़ा वधिया बंदा है, पर जदों कि विहार दे विच गड़बड़ हो गई फिर पता लगना ना। तो विहार विच कुछ भी नहीं। किव कर आखां किव साला ही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आख है। एक दू एक सियाणा, गल्लां तां एक नालों एक सियाणे बन बन के लोग कर रहे हैं। तां इत्थे गल्लां करन दी लोड़ नहीं है। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, गल्ली जोग ना हुई। और असी पावन बाणी विच पढ़दे हां, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, गल्लां विच असी चंगे पले हां लेकिन आचार विहार बुरा है।
गल तां आचार विहार की है, गल गल्लां करन दी नहीं है, गल ते हुकम रजा विच तुरन दी है। तुसी किन्ना पाठ करते हो, गल ए नहीं कि तुसी पाठ किन्ना करते हो, गल ए है कि गुरबाणी मुताबक जिंदगी की दी है, गुरबाणी मुताबक जी कौन रहा है। जे गुरबाणी मुताबक जी नहीं रहे तो फिर पाठ पढ़न का लाभ ना होया। पाठ पढ़न का लाभ उस दिन होएगा जिस दिन गुरबाणी मुताबक जिंदगी बनावांगे। इसलिए गुरदेव पातशाह सानू समझा रहे ने, वड्डा साहिब वड्डी नाही, वो मालक वड्डा है, साहिब है, साडा मालक है, वड्डा है, और उहदा वड्डप्पन मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता किड्डा वड्डा है रब। गुरु जी कहिंदे ने सुन वड्डा आखे सब कोई, सुन सुन के सारे कह रहे ने रब वड्डा है। सुन वड्डा नहीं कहना, सुन वड्डा आखे सब कोई, सुन के सारे वड्डा कह रहे ने। तुसी मेरे तो सुन के कह रहे हो रब वड्डा है, मैं तुहाडे तो सुन के कह रहा रब वड्डा है। सुन सुन के एक दूजे तो सारे कही जा रहे ने वड्डा है। सुन वड्डा आखे सब कोई, पर गुरु जी कहिंदे ने केवड वड्डा डीठा होए, केडा वड्डा है ये तो कोई ता ही दसे ना जे किसी ने वेख्या होवे, उहदे अंत नूं जाणिया होवे तां किड्डा वड्डा है, इहदा अंत नहीं पाया जांदा, बड़ा वड्डा है। वड्डा साहिब वड्डी नाई, इत्थे देखो लिखिया है नाई, तां इहनूं नाई नहीं पढ़ना क्योंकि रब कोई नाई नहीं है जात दा। नाई, नाई दा मतलब शोभा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, उहदी शोभा बड़ी वड्डी है, बहुत वड्डी शोभा वाला है। और याद रखना जो उस वड्डे दे नाल जुड़ेगा उहदी भी शोभा वड्डी हो जाएगी, वह भी उहदे वर्गा ही हो जाएगा। और वह वड्डी सिफत सलाह वाला है, इसलिए उहदी सिफत सलाह करनी है, उहदी सिफत सलाह दे नाल जुड़ना है। ते नाल कहिंदे ने कीता जाका हुवै, इस जगत के अंदर जिस का किया हुआ सब कुछ हुंदा है, यानी जगत के अंदर की वापर रहा है जो रब कर रहा है, किसी होर का किया हुआ इतने नहीं हुंदा। इतने ब्रह्मा विष्णु महेश का किया कुछ नहीं हुंदा, इतने साडा किया कुछ नहीं हुंदा, बंदे का किया कुछ नहीं हुंदा, रब का किया हुंदा। हुण ये चीज़ समझन वाली है, कीता जाका होवे दा मतलब जिस ते हुक्म दे अंदर सारा कुछ हो रहा है, हुक्म तो बाहर नहीं। हुक्म दा मतलब लॉ ऑफ नेचर, हुक्म दा मतलब सिस्टम, हुक्म रजा भाणा लेख इहदा मतलब है सिस्टम, कुदरत दे बजवें नियम। इन्हां नियमां दे अंदर सब कुछ हुंदा, नियमां तो बाहर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं नियमां तो बाहर। जदों नेम तो बाहर कुछ करन दा यतन करांगे उदों असीं फेल होवांगे जिंदगी विच, उदों साडे जीवन दे विच दुख आउणगे, उदों साडे अंदरों इंसानियत खत्म होएगी। ते जदों असीं लॉ ऑफ नेचर रब्बी नियमावली दे अंदर तुरांगे तां असीं सच्यार होवांगे, हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल सच्यार होण वास्ते इक्को ही साधन है, हुक्म विच तुरना। गुरु की पावन बाणी मुताबक जिंदगी जीनी मन बचन और कर्म करके, मुकम्मल शख्सियत साड़ी सच के उत्ते आधारित होवे। राजनीति धर्म अर्थ समाज आदि शरीरक मानसिक बौद्धिक आत्मक परिवारक व्यवहारक तौर पर साड़ा मुकम्मल जीवन किसी सिस्टम दे विच होए, मर्यादा दे विच होए, गुरु के हुक्म अनुसार होवे, ज्ञान के दायरे दे विच होवे। तां गुरु पातशाह जी कहिंदे ने उहदा कीता होया ही सारा इस संसार दे अंदर वापरदा है, उहदे हुक्म तो बाहर कुछ नहीं हो सकता। हुक्म दे अंदर रह के करोगे बहुत कुछ हो जाएगा। जिन्ना भी आ साइंस ने विकास किया है, खोजां कीतियां ने, मनुख लई सहूलतां पैदा कीतियां ने हुक्म दे विच, सिस्टम दे अंदर। वैज्ञानिकां ने कुदरत दे इस सिस्टम नूं समझिया है, कुदरत दे सिस्टम नूं समझ के खोजां कीतियां ने कि स्टीम दे अंदर इन्नी पावर है, उहदे नाल स्टीम इंजन चल सकता है। पंछियां नूं उड़दिआं वेख के संभावना अंदर पैदा हुई तां हवाई जहाज बनाए ने, सिस्टम है ना कि इस सिस्टम दे नाल उड़ाया जा सकता है।
पानी के अंदर वड्डी लकड़ नूं तरदिआं वेख के घनत्व आदि की खोज की गई ना, और जहाज अज पानी के उत्ते तैर रहे ने, सिस्टम दे विच ने, सिस्टम तो बाहर नहीं। एवें जिहड़ा विकास है वह सिस्टम विच होएगा, तो जे असीं सिस्टम नूं तोड़ांगे तो विनाश भी सिस्टम विच होएगा। दुनिया विच परमाणु की शक्ति है ना, परमाणु एक बड़ी वड्डी एटम ताकत है, बड़ी वड्डी। हुण उस एटम की शक्ति नूं चाहे तुसी बिजली वगैरह बनाने वास्ते वरत लो, चाहे एटम बंब बना लो विनाश वास्ते वरत लो, शक्ति है, उहदे गुण ने। जे उहदे सिस्टम नूं सही वरतोगे जीवन विच विकास होएगा। जबान है नूं सही वरतोगे तां प्यार मुहब्बत बनेगा, जे इहदी गलत वरतों करोगे गड़बड़ होएगी। जे अपने विहार नूं ठीक एक दूजे नाल इमानदारी वाला रखोगे तो जिंदगी विच सुख पैदा होणगे। इमानदारी नूं खत्म करोगे, एक दूजे दे हक खाओगे, जिंदगी विच गड़बड़ होएगी। कीता जाका होवे, तो गुरु जी कहिंदे ने नानक जे को आपों जाणे दा मतलब जे कोई समझे कि मैं कर सकना सिस्टम तो बाहर, जे कोई ये सोचे कि मैं रब दे सिस्टम तो बाहर कुछ कर सकना, अपने आप नूं रब तो वड्डा समझे, अगे गया ना सो है, वह अगे जा के शोभा नहीं पाएगा। अगे जा के दा मतलब यह नहीं कि मरण तो बाद, अगे जा के मतलब जो सच का सामना करना पवेगा, जो सच का सामना करना पवेगा तो शोभा नहीं होनी ना। सच का सामना किवें कर पाओगे? एक झूठा बंदा बेशक जिन्ना मर्जी फड़ा मारी जाए पर जो सच का सामना करना पवेगा। जे कोई बंदा हुणे फड़ मारे कि मैं जी कार्बन मोनोऑक्साइड नाल जिंदा रह सकना, तो जे उन्हूं कार्बन मोनोऑक्साइड दिती जाए कि इहदे नाल जिंदा रह के विखा, तो फिर शोभा नहीं ना, सच का सामना नहीं होना, बिना ऑक्सीजन तो जिंदा नहीं रहा जाना। जे कोई कहे कि मैं बिना सिलेंडर वगैरह लैन तो पानी दे विच दो चार दिन रह सकना जिवें मच्छियां रहिंदियां ने, तो फिर उन्हूं झूठा होना पैना, नहीं ना रहा जाना, नहीं रहा जाना ना। इसलिए जिथे सच का सामना करना पैना उत्थे शोभा नहीं होनी। सिस्टम दे अंदर बहुत कुछ हो सकता है, सिस्टम तो बाहर नहीं, रब्बी रजा तो बाहर नहीं। इसलिए साड़ी जिंदगी दे अंदर सुख आ सकते हैं, शांति आ सकती है, खेड़ा आ सकता है, असी सचार हो सकते हैं, असी महान हो सकते हैं, रब दे अंदर मिल के रब वर्गे हो सकते हैं। ये संभावना साढ़े सारिया के अंदर मौजूद है, जिन्ना मर्जी तुसी अपना विकास कर सकते हो, लेकिन सिस्टम नू समझ के। साढ़े परिवार जे असी अपने कल्चर दे नाल जुड़ के रहना चाहिए तो असी रह सकते हाँ, भावें किसी भी देश में होइए। बहुत सारे लोगों ने यतन किए ने, जिन्ह ने किए ने सही यतन, वो कामयाब ने। जेकर असी कामयाब नहीं होए तो इहदा मतलब असी किते सिस्टम नू तोड़िया है, साड़ी किते गलती सी, वो गलती सानू मननी पवेगी। हाँ, ये गल वक्री है, पेसी ना मनीए कूड़े मूर्ख की हठ हिस्सा, भी कई बार बंदा अड़िया रहिंदा है कि उन्हें मनना ही नहीं हुंदा, एक वक्रा टॉपिक है कि वह मने ही ना। लेकिन जो असी सच दे अगे सामने होवांगे तो सानू समझ आ जाएगी कि साड़ी इत्थे गलती सी, जे असी वह गलती ना करते तो एवें नहीं सी होना। तो जे हुण तक कुछ गलतियां हुई ने तो असी अगों सुधार सकते हाँ। जे असी कोई जिंदगी दे विच गलत एग्जिट ले लिया है तो असी यू टर्न ले सकते हाँ, फिर असी हाईवे ते आ सकते हाँ, असी अपने सीधे राह ते चल सकते हाँ। साढ़े जीवन दे अंदर हर एज दे अंदर हर समय संभावना है। नानक जे को आपो जाणै अगे गया ना सो है, जे कोई अपने आप नूं इह समझे कि मैं ऐसा कर सकता हाँ तो वह अगे गया होया शोभा पाएगा नहीं, भाव कि सच का सामना नहीं कर पाएगा, वह कदें भी कामयाब नहीं होएगा। तो अज की इस विचार मुताबक तीर्थ तप दया दा दान जिहड़े ने जो कर्मकांड ने उन्हां दे नाल बंदे नूं सच्चा मान आदर सत्कार सुख आदि नहीं मिलता। रब की भगती है रब के गुणा के धारनी होना, ये चीज़ नोट कर लो कि सानू 21वीं पौड़ी के अंदर भगती की जाच दसी जा रही है कि जो रब की भगती कि रब के गुणा के धारनी होना ही रब की भगती है। गुणा राही असी सच नाल जुड़ांगे, साड़ी मानसिकता सुंदर होएगी, मानसिकता सुंदर होएगी तो असी खेड़े दे अंदर आवांगे।
ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸਤਾ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।